आज हम बहुत ही नए तरीके से केक बनाने वाले हैं। इस केक को क्रिसमस में, न्यू ईयर में, बर्थडे पार्टी में या किसी भी ओकेशन में आप इस केक को बना सकते हैं। ये केक बहुत ही जल्दी से और बहुत आसान तरीके से घर में बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, गुलाब की पंखुड़ियों से कैसे बनाते हैं केक देख लेते हैं। जय जोहर संगवारी हो, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं लता जंगेल अपने किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। केक बनाने के लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ। अब इसमें नमक डाल दूंगी। नमक को अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद एक स्टैंड रख देंगे और ढक्कन लगाकर इसे प्रीहीट होने देंगे। लो फ्लेम में ही इसे प्रीहीट होने देंगे। केक बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक बाउल ले ली हूँ, उसके ऊपर छन्नी लगा दी हूँ। इसमें 2 कटोरी मैदा डाल देंगे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और चुटकी भर नमक डालकर इसे छान लेंगे। ये देखिए, मैं इसे छान ली हूँ। अब यहाँ पर 1 कटोरी दही ले लेंगे, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब 1.5 कटोरी पिसा हुआ शक्कर लेंगे। तो 1 कटोरी को पहले हम घोल लेंगे, फिर 1/2 कटोरी को डाल देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से घोल चुका है। अब यहाँ पर 1/2 कटोरी तेल ले लेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं 1/2 कटोरी दूध ले ली हूँ। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल देंगे, इस घोल में, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1/2 कटोरी दूध को डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच टूटी फ्रूटी ले ली हूँ, इसे भी अच्छे से मिलना है। अब ग्रीस किए हुए केक टिन में इस घोल को डाल देना है और टैप कर देना है। ये देखिए, सेम ऐसे ही करना है। अब प्री हीट किए हुए कढ़ाई में इसे रख देंगे और 40 से 45 मिनट तक इसे अच्छे से पकने देंगे। 40 से 45 मिनट हो चुका है, अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, वाओ, बहुत ही अच्छे से पका है। तो बीच में इसे डाल के चेक कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन निकला है ये चाकू, मतलब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 कटोरी क्रीम ले ली हूँ। क्रीम को अच्छे से बीट करना है, तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर ली हूँ। आप विस्कर से भी विस्क कर सकते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट कर रही हूँ। जब तक ये क्रीम अच्छे से फ्लफ़ी ना हो जाए, तब तक इसे बीट करना है। तो ये देखिए, ये अच्छे से बीट हो चुका है। अगर ये बाउल से गिरे ना, तो समझ लीजिए ये अच्छे से व्हिप्ड क्रीम बन चुका है। व्हिप्ड क्रीम को एक साइड में रख देते हैं और केक को डीमोल्ड कर लेंगे। अब इस केक को एक प्लेट में पलट लेंगे। केक को प्लेट में पलटने के बाद टिश्यू पेपर को निकाल लेंगे और इसे कट कर लेंगे। वाओ, बहुत ही स्पॉन्जी और टेस्टी केक बना है। अब यहाँ पर 1/2 कटोरी पानी ले ली हूँ। इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल देंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये शुगर सिरप बनकर तैयार है। अब यहाँ पर एक बर्तन ले ली हूँ, उसके ऊपर एक थाली रख दूंगी। यहाँ पर मैं केक का बेस घर में ही बनाई हूँ, तो कार्डबोर्ड में फॉइल पेपर को ऐसे लगा दी हूँ। तो इसे अच्छे से प्लेन कर लेंगे। अब इस बेस में थोड़ा सा क्रीम लगा देंगे और केक को इसके ऊपर रख देंगे बीचों बीच। शुगर सिरप लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसे हम लगा देंगे, नहीं तो क्रीम जो है वो बहुत ही ड्राई ड्राई लगेगा। तो इसे अच्छे से क्रीम से कोट कर लेंगे। आप मोटा या पतला कैसे भी रख सकते हैं। अब केक के दूसरे पार्ट को भी ऐसे शुगर सिरप लगा लेना है और इसे पलट लेना है और केक के ऊपर लगा देना है। केक के ऊपरी हिस्से में भी शुगर सिरप लगाना बहुत ही ज़रूरी है और बगल में भी ऐसे लगाना ज़रूरी है। अब सभी तरफ क्रीम से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। पतला या मोटा ये आपके ऊपर है कि कितना मोटा रखना है। मैं ज़्यादा मोटा नहीं रखी हूँ, इसे पतला ही रखी हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ ऐसे ही क्रीम को लगा लेना है। पहले मैं स्पैचुला से ही क्रीम को अच्छे से लगा रही हूँ, उसके बाद मैं चाकू से इसे अच्छे से प्लेन कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ अच्छे से लग चुका है। अब मैं एक नाइफ से ऐसे प्लेन कर लूँगी। ये देखिए, इसे अच्छे से प्लेन करना है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही इसे प्लेन करना है। आप चाहे तो स्पैचुला से भी इसे प्लेन कर सकते हैं, मैं चाकू से ही करती हूँ। तो एक्स्ट्रा क्रीम को हम निकाल देंगे। ये देखिए, ऐसे एक्स्ट्रा क्रीम को निकालते हुए इसे प्लेन करना है। तो सभी तरफ ऐसे ही अच्छे से प्लेन कर लेना है।
सभी तरफ क्रीम लगाने के बाद जो बेस में क्रीम लगा है उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। मैं छोटा सा कपड़ा लेकर इसे अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, ये देखिए। अब हमें पंखुड़ी लगाना है, तो पंखुड़ी लगाने के लिए मैं यहाँ पर आउटलाइन बना रही हूँ। मैं यहाँ पर एस आकार का आउटलाइन बनाई हूँ, आप कैसे भी शेप बना सकते हैं, आप चाहे तो क्रॉस का भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छे से धो ली हूँ। अब इसे हम इस आउटलाइन में एक एक करके सभी को ऐसे ही लगाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक एक करके हम आसानी से इस पंखुड़ियों को लगाते जाएंगे। इस आउटलाइन में ही सबसे पहले लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके सभी पंखुड़ियों को ऐसे ही लगा देना है आउटलाइन में। ये देखिए आउटलाइन बन चुका है। अब हम दो पंखुड़ियों के बीच में एक पंखुड़ी को लगाना है, तो सेम इसी प्रोसेस से ऐसे ही लगा लेना है सारे पंखुड़ियों को। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये देखिए, है ना बहुत ही सुंदर। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। अब यहाँ पर मैं आउटलाइन को कवर करने के लिए ये चोको चिप्स लगाई हूँ। आप चाहे तो क्रीम भी यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास घर का बना हुआ ये चोको चिप्स है, इसलिए मैं इससे ही डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आउटलाइन बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं स्टार नोज़ल से ऐसे फ्लावर बना लूँगी। ये देखिए, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप चाहे तो पॉलीथीन से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टार नोज़ल ना हो या कोई भी नोज़ल ना हो, तो आप पॉलीथीन में भी ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए, नीचे के बेस में भी ऐसे ही फ्लावर बना लेना है। चारों तरफ ऐसे ही क्रीम से फ्लावर बना ली हूँ। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। अब यहाँ पर मैं ये शुगर बॉल्स ली हूँ। ये बेकरी शॉप में आसानी से मिल जाता है और बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। डेकोरेट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है ये। तो ये देखिए, मैं दूर दूर ऐसे मैं स्प्रिंकल कर दी हूँ। और जो क्रीम का फ्लावर बनाए हैं उसमें भी एक एक, ये देखिए ऐसे एक एक लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रोज़ केक बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे कभी भी बनाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। विश यू मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर।